अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओके, आई थिंक शुड स्टार्ट। तो अगेन अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नाउ लैब व्यू के जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने जो लैब वन की थी उसमें मतलब डू यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस और एनी कंफ्यूजन दैट यू वांट टू सॉर्ट आउट और एनीथिंग? क्योंकि अब तक काफी स्टूडेंट्स ने जो है वो लैब वन सबमिट नहीं कराई है। सो इज देयर एनीथिंग यू गाइस वुड लाइक टू आस्क और समथिंग? पर वो एक क्वेश्चन था केस स्ट्रक्चर से मुतल्लिक मैथ जी के। तो वो जिस तरह हम लोग अगर तीन केस रखते हैं केस स्ट्रक्चर में 1 2 3, तो सेकंड वन के अंदर ही सेकंड वन को ट्रिगर कर सकते हैं हम? मतलब अगर ये वन के अंदर अगर ये कंडीशन आए तो 2 ट्रिगर हो जाए, तो किस तरह करेंगे अकेले? हाँ, उसके भी तरीके कार हैं। इसको जो है ना क्या कहते हैं, लाइक ट्रू और फॉल्स वाली जो कंडीशन है ना लूप, उसको स्ट्राइक कर सकते हो आप। व्हाइल लूप यूज कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन द लूप दैट यू आर सेटिंग। तो वो क्या होता है कि आप उसको एक कंडीशन बॉक्स के साथ या कोई कंट्रोल दे दो या कुछ एनीथिंग। जैसे कि मैंने बताया था कि तीन चार चीजें होती हैं। एक यूजर कंट्रोल होता है, एक होता है बैकग्राउंड कंट्रोल। तो उनमें से आप कोई भी चीज जो है ना सेट कर सकते हो। जस्ट लाइक अभी फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे वाइल लूप अगर हमने लगाया हुआ है, और अगर मैं अंदर एक और जो है वो केस स्ट्रक्चर लगा लेता हूँ। सो या लेट्स जस्ट डू दैट। सही है। तो इसके साथ मैं बहुत सारी चीजें अटैच कर सकता हूँ। जस्ट लाइक लेट्स सपोज मैं हम दो नंबर्स को जो है वो कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लगा दूंगा। अब जब भी एक्स जो है कोई भी नंबर हो यहाँ पे क्रिएट कंस्टेंट कर देते हैं फिलहाल। ठीक है, ये एक्स और वाई दो कंडीशंस हैं, इनको ये टेस्ट कर रहा है। अब जब भी एक्स जो है वो वाई से बड़ा होगा तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी, और जब एक्स जो है वो वाई से छोटा हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरह की जो है ना आप कंडीशंस लगा के यू नो यू कैन मेक योर वे आउट ऑफ एनीथिंग। सो बट स्टिल इफ यू नीड एनी हेल्प विद एनी प्रोग्राम ऑफ योर्स यू कैन अप्रोच मी एनी टाइम। ओके, ओके। ऑल राइट देन। We only have 16 students online anyway. अच्छा भाई, देखो आज की जो लैब है इट्स नॉट गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज इट्स अ शॉर्ट लैब। बट
Today we are going to learn about second order systems. Okay, second order systems kya hote hain? Any idea? सो रहे हैं सबके सब अभी तक. आई थिंक यार खैर किसी भी ऑर्डर का सिस्टम जो होता है दैट रिलेट्स टू इट्स ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन में दो पोल्स हैं, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है. और या ये देख लो एस स्क्वायर है तो दिस इज सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. दैट डिपेंड्स अपॉन what kind of a controller you guys are you know striking with. This just like a PI controller hai to second order system hai, aur PID controller that is a third order system. So let's take a look at what this second order systems are, or second order systems ko aap left view pe kaise bana sakte hain. See, so we will start with एक मोटर लेते हैं. ठीक है, और उसके ट्रांसफर फंक्शन को जो है ना वो हम लोग डिजाइन करेंगे. और LCS तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो LCS में यू गाइज मस्ट हैव लर्न के ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं. ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू गो थ्रू दैट. ये किसी भी सिस्टम का आप मोटर ले लो, एक्चुएटर ले लो, कोई भी लेट्स सपोज वाल्व ले लो, तो उन सब का जो है ना क्या होता है कि ट्रांसफर फंक्शन मौजूद होता है. ठीक है, मैनुअल में भी आ जाता है, अगर नहीं भी आए तो आप ट्रांसफर फंक्शन बना भी लेते हो. तो वो ट्रांसफर फंक्शन बहुत क्रिटिकल है इन द फील्ड ऑफ एवियोनिक्स. आपके मतलब इसी ट्रांसफर फंक्शन को बनाने के चक्कर में जो है साल लग जाते हैं. वी नो दैट बिकॉज वी हैव वर्क्ड विद पाकिस्तान एयरफोर्स इन द मेकिंग ऑफ इन द अपग्रेडेशन ऑफ JF-17 एंड C-130 ZDK and IL-78 and all these aircrafts. तो उनका सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन, इनकी कंट्रोल सर्फेसिस का ट्रांसफर फंक्शन निकालने में हमें जो है ना वो दिन रात लग जाते हैं. इट टेक्स अबाउट 6 to 6 months to 1 year depending upon all that. So CFDs निकालना and everything. So these transfer functions are critical for upgrades, are critical for your aircraft controllers. ठीक है, अच्छा अब लेट सपोज एक डीसी मोटर लेते हैं. डीसी मोटर का एक जो है वो फ्री बॉडी डायग्राम हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं. एक जो है आर्मेचर सर्किट घूम रहा होता है, उसके अक्रॉस एक रोटर लगी हुई है जो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. तो वो वहां से जो है ना वो लेट सपोज रोटेशनल जो है मोशन प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, अब आगे 10 चीजें भी हो सकती हैं. ये दिस कुड आल्सो बिकम अ लीनियर एक्चुएटर एंड सी. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. वी हैव अ डीसी मोटर. सही, डीसी मोटर में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है टॉर्क. सी, तीन चार चीजें होती हैं, एक्सेलरेशन होती है, स्पीड होती है, इनर्शिया होता है. But torque is one of the most important because torque से हम लोग design कर सकते हैं अपने PIDs. ठीक है, अच्छा PID होता क्या है basically? यार PID एक controller है. ठीक है, जो कि आपके system के response को बेहतर करता है electronically. आपका जो F-16 है, as I said, that is a highly unstable aircraft. और F-16 को जो है जिस चीज ने let's suppose safe रखा हुआ है, चलता हुआ रखा हुआ है, that is a PID controller. See, that is the flight control system. So
पीआईडी कंट्रोलर बनाने के लिए, अब सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास आता है केटी इनटू आई। केटी जो है वो कहलाता है मोटर टॉर्क कांस्टेंट, ओके, और आई जो है दैट इज द आर्मेचर करंट जो के हमारे यहाँ पे सर्कुलेट कर रहा है। अच्छा, जो बैक ईएमएफ है दैट इज डिनोटेड बाय ई, और के ई जो है वो बैक ईएमएफ कांस्टेंट है विद थीटा बीइंग द रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ योर मोटर। सही है। अब खैर ये टेक्निकलिटीज वगैरह हमारे पास आ जाती है, इसको डेरिवेटिव हमने लिया, मतलब ये एक एक्चुअल प्रोसेस जो हमारा हुआ था अभी फोर्ड ऑफ बनाने के चक्कर में जो हम प्रोसेस से गुजरे थे, ये वो प्रोसेस है। सो हेलो, यस सर, यस सर। यार बीच में इंटरनेट ड्रॉप हो गया था। ओके, या सो वेयर वर वी। So, you know, ये मतलब टेक्निकलिटीज है ना। एज अ टीचर मेरी हमारी यही कोशिश रहती है कि यार आपको जो है वो एक्चुअल रियल लाइफ एग्जांपल्स जो है ना वो कराई जाएंगे, यार ये चीज एक्चुअली यूज कहाँ हुई थी और क्यों हुई थी, से रादर देन वो हवाई बातें करने के। सो ये अब आपके सामने जो पूरा सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग गुजरे, ये जो है आपके लीनियर एक्चुएटर्स डिजाइन करने में जो C-130 का जो हमारा वो था सिमुलेटर है एट नूर खान बेस, तो उनके जो लीनियर एक्चुएटर्स का जो पूरा ट्रांसफर फंक्शन जिस तरह से निकाला गया था, ऑब्वियसली मैंने रेट्स वगैरह जो है यहाँ पे चेंज किए हैं जो हमने आपको डिटेल्स दी है, बट ये दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस देयर। बट खैर ये रेट्स निकालने में जो है वो आपको सालों साल लग जाते हैं कि यार डिटेल्स क्या है कि सो मतलब अगर आप यहाँ पे रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स हैं, इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड आई कैन शेयर दीज विद यू। ठीक है, तो हमारे पास जैसे डीसी मोटर सिस्टम मॉडलिंग का एक पूरा चैप्टर जो है वो हमने लिखा हुआ था और उसमें जो है हमने सारी डिटेल शेयर की हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये सिस्टम हमने मॉडल किया था सबसे पहले ऑन मैटलैब, एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक ऑन मैटलैब। ओके, तो ये मॉडल पे सिस्टम सॉरी मैटलैब पे सिस्टम मॉडल हुआ था सबसे पहले, एंड देन वी मूव्ड ऑन टुवर्ड्स लैब व्यू क्योंकि हमें फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम जो है ना वो प्रोड्यूस करना था। सो दिस इज एन एक्चुअल प्रोसेस यू सी। अच्छा, सो अब हमने जो ये हमारे पास टॉर्क है और बैक ईएमएफ है, बाय द वे जो हमारे पास मोटर टॉर्क और बैक ईएमएफ कांस्टेंट होते हैं वो सेम होते हैं। सही है। तो नाउ अब हम लोग मतलब इसको क्या कहते हैं इसका डेरिवेटिव लेके इंटीग्रल लेके जब हम आते हैं इन दी एंड हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन है विद दीज रेट्स दैट बिकम्स दिस। ठीक है, दिस इज बेसिकली ये जो है डिराइव हुआ यहाँ से। तो ये जब हम सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे इनपुट की थी, मैंने आपको सब बता दिया जे की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, के ई कितना है, के टी कितना है। यू सी के ई एंड के टी आर इक्वल, ये बैक ई एम एफ और मोटर कांस्टेंट इक्वल होता है तकरीबन जो है। देन वी हैव इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, तो ये सारी वैल्यूज ओके।
यार ये जो ऑनलाइन क्लासेस है ना, और ये इंटरनेट के मसले, मतलब लिटरली मेक्स नो सेंस। सो एनीवे, मैं दूसरों को बताऊं। All right, are you guys here, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let's continue again. It's things like these, I really kind of wish कि university on ही हो जाए, मतलब so things get back to normal. But it has its perks. So anyway, at the end we come down to this transfer function, okay? तो अब करना क्या है? ये ट्रांसफर फंक्शन तो आ गया, अब हम जाएंगे लेफ्ट व्यू पे। सही है, अब हमने सिस्टम मॉडल करना है। ऑब्वियसली एज यू गाइस कैन सी, मैंने ऑलरेडी मॉडल किया हुआ है, बट आई विल टीच यू हाउ टू डू दैट। सही है, एज आई सेड कि दिस वॉज अ पार्ट ऑफ बिगर सिस्टम, सो इसीलिए मैंने ब्रेक डाउन करके आपको ये थोड़ी सी जो स्पीच का लिए जो ना झलक दिखाई है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, लेट्स स्टार्ट अगेन। आई सेड के सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके पास ये क्वेश्चन मार्क है, सो आई एम गोना यूज दैट और मे बी नॉट। ठीक है, सबसे पहले राइट क्लिक एंड वी आर गोइंग टू यूज कंट्रोल एंड सिमुलेशन लूप, जो कि मुझे नजर नहीं आ रहा है। ऑफ कोर्स, बिकॉज़ यहाँ पे होता है। ठीक है, अच्छा, कुछ लोगों के पास कंट्रोल एंड सिमुलेशन लूप जो है नहीं आता, बिकॉज उन्होंने ऑब्वियसली कंट्रोल डिजाइन सिमुलेशन वाला वो पार्ट जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं किया हुआ होता। तो आप लैब व्यू में जब भी जाएंगे तो लैब व्यू यूज करते हुए जो लैब व्यू का पैकेज मैनेजर है, वी ए पैकेज मैनेजर, तो सॉरी NI पैकेज मैनेजर, वहां पे जो है कंट्रोल डिजाइन सिमुलेशन जब लिखेंगे तो वो पैकेज डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाएगा, एंड देन यू कैन हैव दिस पार्ट राइट क्लिक कंट्रोल एंड सिमुलेशन एंड देयर वी गो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब राइट क्लिक करते हैं। अब बहुत ही आसान तरीका ये होता है, इफ यू नो द आंसर ऑफ सॉरी द नेम ऑफ समथिंग, सो यू कैन जस्ट राइट अहेड सर्च फॉर इट। लेट्स ट्राई इट। Step signal. There you go. Boom. Okay. So हमारे पास step signal आ गया। अब सबसे important चीज है transfer function. ठीक है, उसे model करने के लिए we gonna search transfer function and there we go. सही है, अब इसे एडिट करने की तरीका है, डबल क्लिक करें और इसमें आपका जो है B0, B1, B2 एंड A0, A1, A2। सही, फिर B1 जो है वो न्यूमरेटर्स है और A वाले जो है वो डिनोमिनेटर्स है। सो अगर इसको इस तरह से बनाना है तो वी गोइंग टू गो फॉर 0101। यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी आ रहा होगा सही ट्रांसफर फंक्शन का, एंड I'm gonna go with the 0. Oh, sorry, 0.1001, 0.06, and 0.005. See,
सो एज यू गाइस कैन सी के A0 से A2 तक जो है हमारे पास इस तरह से आसान तरीका ये होता है कि यार A1 मीन्स द पावर ऑफ 1, A2 मीन्स द पावर ऑफ 2 एंड सिंपली A3 वुड मीन द पावर ऑफ 3. सो दैट्स ओके. अच्छा अब यहाँ पर आते हैं ये जो चीज है ये इम्पोर्टेंट है. तो सिंपली आप कंट्रोल सिमुलेशन में जाते हैं और नो ठीक है और इसका ग्राफ यूटिलिटीज एंड सिम टाइम वेव फॉर्म नाम है. ठीक है सिम टाइम इज लाइक सिमुलेशन टाइम वेव फॉर्म. अब ये वेवफॉर्म चार्ट आ गया ना. आपको ये चीज चाहिए कि यार ये मर्ज करने हैं अपने दो सिग्नल्स. ठीक है ऑब्वियसली आपको इनपुट और आउटपुट दोनों मर्ज करने ताकि आप दोनों देख सको. ठीक है तो मर्ज सिग्नल्स पे जाएंगे और ये हमारे पास मर्जर आ गया. ठीक है अच्छा अगेन इसे यूज करने के लिए जो है अगर आपके पास तीन चार सिग्नल हैं तो यू कैन जस्ट ड्रैग इट डाउन make it bigger but we don't need it right now so we're going to use this. अच्छा ये एक और हमें चाहिए होगा तो just do control c and control v. इसके पास जो है वो input आ रहा होगा direct step signal से and of course यहाँ पे भी हमें step signal चाहिए. ठीक है step signal जो है वो यार आपका कोई भी input होता है. ठीक है like a jerk or something और हम हमेशा अपने सिस्टम्स को स्टेप सिग्नल पे चेक करते हैं कि यार के स्टेप सिग्नल पे क्या रिस्पांस है. लेट सपोज जस्ट लाइक हमारे पास स्टेप सिग्नल जो है वो 1/1 का है द वैल्यू ऑफ 1 फॉर सेकंड ऑफ 1 ओके और 2 सेकंड्स इन केस. तो वो मतलब जो भी आपका सिस्टम है वो 1 सेकंड में आपको किस तरह का रिस्पॉन्स दे रहा है तो उसको देखने के लिए जो है हम स्टेप सिग्नल लगाते हैं और उससे काफी सारी चीजें जो है वो हमें उनका आइडिया हो जाता है. एंड वेल देयर यू गो दिस इज वन थिंग. बाकी सारी चीजें आपके सामने हैं स्टिल इफ यू गाइस हैव एनी कंफ्यूजन फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस. ओके नाउ When we're done with that, we are going. Yes. Sir, ये आवाज आ रही है वो? हाँ. जो किनारे पे जो लगे हुए थे वो उनका क्या नाम था जो डब्बे लगे हुए थे किनारे पे कौन से डब्बे ये? जी. यार ये एरर जनरेशन के लिए यूज होते हैं ये आपके जब तुम लूप लेकर आओगे ना कंट्रोल लूप तो इसी ये इसके साथ जो है वो गरीबी में आते हैं और इनको यूज करने का जैसे ये अब आपके सिस्टम में कोई भी एरर आता है लेट सपोज अभी तुमने ही शायद क्वेश्चन किया था कि कोई भी चीज को ट्रिगर कैसे करेंगे तो यानी ट्रू और फॉल्स वाला केस हो गया कोई भी लेट सपोज इससे आगे मैंने एक स्ट्रक्चर लगाया हुआ है कि यार लेट सपोज कौन सा स्ट्रक्चर लगाऊं केस स्ट्रक्चर लगा लेता हूँ. लेट सपोज पीछे से जो है हमारे पास अगर यहाँ पे एरर आ जाता है सही है तो अगर एरर आ रहा है अब यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल इसका चेंज हो गया आउटपुट कि यार अब एरर अगर नहीं है तो आपने क्या करना है और लेट सपोज अगर कोई एरर आ जाता है तो आप क्या करोगे. सो इजी हाउ इजी दिस हैज बिकम. तो यानी इस लूप में अगर कोई भी एरर आएगा तो क्या होगा. तो हमारे पास जो हम लोग बात करते हैं ना अक्सर एयरक्राफ्ट के अंदर रिडंडेंसी की तो वो रिडंडेंसी यही होती है कि मैं अब इसी को पूरे को उठा के इधर लगा दूंगा. सही है नाउ दिस हैज बिकम अ ट्वाइस रिडंडेंट सिस्टम. सही है और इसी तरह मैं अगेन इसको भी यूज कर सकता हूँ टू जनरेट अनदर एरर तो दैट वुड बिकम अ थ्राइस रिडंडेंट सिस्टम. तो रिडंडेंसी इसी तरह जनरेट होती है कि मेरे इस लूप में या इस सिस्टम में कोई मसला आता है और मुझे उसका एरर पता चल जाता है कि हाँ यार कोई एरर आया तो फौरन मेरा सिस्टम एक दूसरे सिस्टम पे स्विच कर जाएगा. सही है और इन केस ऑफ नो एरर तो आप इसे खाली छोड़ दो. सही तो ये इसलिए यूज होते हैं.
और जो फर्स्ट ब्लॉक है दैट इज यूज्ड एज अ एक्सटर्नल इनपुट, ठीक है, यहाँ पे भी आप एरर कनेक्ट कर सकते हो और यू कैन कनेक्ट एनी सॉर्ट ऑफ ट्रिगर हियर कि ये सिस्टम कब चले, ठीक है, सो दैट इज वाई दीज आर यूज्ड। ओके, नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 10 मिनट्स, वी कैन ऑलवेज जॉइन बैक बट स्टिल। अच्छा, अब ये चीज हो गई, लेट्स गो टू द ब्लॉक डायग्राम, इसको रन करके देखते हैं। अब ये देखो यार, यहाँ पर मेरा स्टेप सिग्नल ये रहा इनपुट, ये नजर आ रहा है, या इसे बड़ा करूँ? मैं बड़ा कर ही देते। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हो ये इनपुट आ रहा है मेरे पास, ये मेरा स्टेप सिग्नल है और ये मेरी मोटर का आउटपुट आ रहा है। तो ये मतलब एक जनरल मैकेनिकल सिस्टम है और इसी तरह होते हैं। सही है कि मोटर का आउटपुट देखो क्या आ रहा है यार, जो कितना बुरा और गंदा आउटपुट है। और ऑब्वियसली मैं ये, अब ये देख रहे हो, जब आप इन द फील्ड ऑफ एविएशन आओगे ना, जब क्या कहते हैं, किसी एक्चुअल फैक्ट्री में काम कर रहे हो या एनीथिंग, ये जो गैप है ना इन दोनों के बीच में, दिस इज नोन एज अ लॉस, कि यार ये लॉस है हमारे लिए, ठीक है। आपके फंक्शन को स्टेप इनपुट की तरह परफॉर्म करना चाहिए। ऑब्वियसली आपका कोई भी फंक्शन कभी भी स्टेप फंक्शन की तरह जो है वो परफॉर्म नहीं करता, बट स्टिल यू नो वी कैन ऑलवेज ब्रिंग इट एज क्लोज टू इट एज पॉसिबल। तो ये मेरा भी मोटर का आउटपुट है, ये मेरा स्टेप सिग्नल है। इट्स अ बिग नो, मतलब एविएशन को तो छोड़ दो, ये शायद नॉर्मल इंडस्ट्री में भी जो है ना, इट इट वुड बी अ बिग नो, ठीक है। तो इसे अब क्या करना है कि एक जमाना होता था कि फिर हम क्या करते थे, मोटर ढूंढ के लाते थे जो कि स्टेप फंक्शन के करीब करीब थोड़ा सा आ जाए, वो भी बहुत से बहुत यार आपका जो है ना वो लेट सपोज 70% एरर कम कर देती थी या 60% एरर कम हो जाता था, लॉस कम हो जाता था, बट इट कुड नेवर रीच अप टू यू नो अंडर 90%। तो बट अब आ गए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोलर्स एंड एवरी ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सही है। तो अब हमारे पास जो है वो इट ओनली टेक्स अबाउट कंट्रोलर सॉफ्टवेयर एंड वी कैन रीच इजिली रीच इनटू 90, ठीक है। अच्छा, अब आपने, मैंने वो चीज आपको दिखा दी, इसका आउटपुट आ गया हमारे पास। लैब टास्क है आपका, ठीक है, लैब टास्क में आपको मोटर की जो रोटेशन है वो बता दी है 0.1 रेडियंस पर सेकेंड, सही है, स्टेडी स्टेट। और इनपुट जो है वो हमारे पास 1 वोल्ट है, यानी स्टेप फंक्शन वो 1 वोल्ट का ही है, जैसा कि उसमें पहले हमने देख लिया, ठीक है। और मोटर जो है वो बेसिकली मैंने एक सिनेरियो आपके लिए क्रिएट किया है कि मोटर डिजायर्ड स्पीड पे नहीं चल रही, जो कि एक्चुअली हमारे पास सिनेरियोज आते हैं कि हाँ यार ये लीनियर एक्चुएटर जो है वो C-130 की तरह काम नहीं कर रहा, और यानी या तो उससे तेज काम कर रहा है या उससे स्लो काम कर रहा है, तो फिर उसको क्या करना है फलान डमाका। तो ये हम इन सारी चीजों से गुजरते हैं, सही है। अच्छा, अब आपको मैंने बता दिया कि यार बच्चों सेटलिंग टाइम जो है वो आपके सिस्टम का वो 2 सेकेंड से कम होना चाहिए, ओवरशूट जो है वो 10% से कम होना चाहिए, और स्टेडी स्टेट एरर जो है ना वो 1% से कम होना चाहिए। सही ना, बिकॉज यू आर एन इंजीनियर, यू आर साइंटिस्ट, तुम एवियोनिक्स के सिस्टम्स डिजाइन कर रहे हो फॉर गॉड सेक। तो ये जो स्टेडी स्टेट एरर है ये हम 1% से ज्यादा बेयर नहीं कर सकते। PI और PD कंट्रोलर्स बना के तुम लोगों ने उसे जो है वो क्या कहते हैं कंपेयर करना है। अच्छा, नाउ ये मैटलैब पे नहीं कर सकते? सॉरी, मैं पूछ रहा हूँ कि ये मैटलैब पे कर सकते हैं, हम मैटलब पे कर लो, अगर मैटलब पे कर सकते हो नो इशू। क्योंकि ये अच्छा वाला टास्क, इस तरह के टास्क हमने किए हैं मैटलैब। हाँ, मैटलब पे भी कर सकते हो, देयर इज नो इशू। तो अच्छा, अब देखो ये वाले, अब लेट्स सपोज ये एरर्स आपने इस तरह का जो है वो इनपुट लेकर आना है, सॉरी आउटपुट लेकर आना है,
सेटलिंग टाइम आपका लेस देन 2 सेकंड होना चाहिए। ओवरशूट यार ये चीजें तो पता है ना, या ये भी मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि सेटलिंग टाइम और ओवरशूट और स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है। ये सर पता है। ओके गुड अलहमदिल्ला। ठीक है तो ये आपकी कंडीशंस हैं। अच्छा इसे अब यहाँ पर देखते हैं, मैं इसे कंटिन्यूअस रन कर रहा हूँ। ठीक है कंटिन्यूअस रन में देख रहे हो ये स्टेप रिस्पॉन्स है मेरा, इनपुट मैंने बता दिया आपको स्टेप रिस्पॉन्स। लेकिन देखो यार मैटलैब पे ये वाली चीज नहीं आ सकेगी कंपैरिजन। अब देखो मैंने इन सबको एक ही चीज में जो है ना वो किया हुआ, इट्स काइंड ऑफ इजी हियर। ठीक है कंटिन्यूअस टाइम में आपने इसको सिमुलेट करना है, बट खैर इट्स अप टू यू गाइस। तो अब ये इनपुट है मेरा स्टेप सिग्नल। अब मैं पीआई कंट्रोलर को जरा चेंज करूंगा, अभी तो ऑब्वियसली 0 है। तो ये देख रहे हो ये प्रोपोर्शनल मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है और ये मेरे स्टेप सिग्नल के करीब करीब जा रहा है, बट ओवरशूट्स आ रहे हैं। तो इसका जरा इंटीग्रल बढ़ाते हैं। तो इंटीग्रल में भी ये स्टेप के पास तो पहुंच गया, लेकिन देयर इज अ स्लोप, सेटलिंग टाइम बहुत कम है। अब ओवरशूट बहुत ज्यादा पड़ रहा है, हम ओवरशूट इतना बेयर नहीं कर सकते। ठीक है ओवरशूट की भी एक लेस देन 10% रखना। फिर हम जाते हैं तो पीडी कंट्रोलर की तरफ, इसे देख लेते हैं कि क्या करते हैं भाई साहब। इसको लेट सपोज मैं 50 दे देता हूँ। ओ सॉरी दैट्स अ लॉट। ठीक है और डेरिवेटिव देता हूँ। तो डेरिवेटिव में हमारे पास ओवरशूट कम हो रहा है, लेकिन ये ऑब्वियसली हमारे स्टेप सिग्नल के पास पहुंच नहीं रहा। ठीक है पहुंच गया और डेरिवेटिव बढ़ा देते हैं तो हमारे पास एक अच्छा रिस्पांस आ रहा है इसका। ठीक है तो ये दो चीजें हैं। अब ये फिलहाल हमारे पास पीआई और पीडी कंट्रोलर की बात हो रही है। ठीक है फिर इनका आता कॉम्बिनेशन पीआईडी कंट्रोलर। अच्छा ये चीज आप लोगों ने बनानी है। ठीक है और अगेन इस टास्क का जो है वो आपने स्नैपशॉट लेना है इसका और इसके ब्लॉक डायग्राम का। मैं ब्लॉक डायग्राम नहीं दिखा रहा अभी, और ये करके जो है आपने जमा करवाना है। ठीक है इसका स्नैपशॉट लेना है और इसके ब्लॉक डायग्राम का स्नैपशॉट लेना है और उन्हें अपनी लैब में अटैच करके उन्हें जो है सबमिट करा दो। ठीक है अब पीआई और पीडी कंट्रोलर कैसे तुम लोग इंगेज करते हो, ये वो चीज है जो मैं देखना चाह रहा हूँ फिलहाल। कि तुम लोग क्या कर रहे हो इसके बारे में। ठीक है यू कैन लाइक यू नो कंट्रोल एंड सिमुलेशन में पीआईडी में जाते हो, तो यहाँ पे तुम्हारे पास जितनी भी चीजें गिवन है ना ये सब तुम्हारे लिए फिलहाल बेकार है। सही है तो पीआई से कुछ आता है हमारे पास नहीं, ये नहीं होगा डेरिवेटिव। तो आप आओगे कंट्रोल एंड सिमुलेशन में, सिमुलेशन के पार्ट में कंटिन्यूअस लीनियर सिस्टम में आपके पास इंटीग्रेटर भी पड़ा हुआ है और डेरिवेटिव भी पड़ा हुआ। ठीक है तो आपने इंटीग्रेटर ले लिया, तो इस पूरे हिस्से को इंटीग्रेटर से गुजार लोगे, लेकिन वो सब तो हो जाएगा। वो तो चलो तुम लोग गुजार लोगे, लेकिन स्टिल वो वाली बात नहीं आएगी ना यार जो आपके पास यहां से कैसे कंट्रोल कर रहे हो, है ना। तो वो कैसे यस कर सर, फिर वो कोई फॉर्मूला नोट बनानी पड़ेगी हमें, और मतलब पूरा एग्जैक्टली खैर फॉर्मूला। जी चलो यार कोई बात नहीं देख लेते हैं। मुझे काम ही आएंगी ये चीज है। ये देखो भाई इस तरह से बनाया मैंने। ठीक है मैंने दोनों दो ट्रांसफर फंक्शंस को ट्वाइस ले लिया था। इट्स अ ह्यूज सिस्टम हियर। सही है ठीक
केपी और केआई को मैंने एज अ क्या कहते हैं कंट्रोल्ड इनपुट्स लिया हुआ है, उन्हें जो है एक समर के थ्रू ये सारी वैल्यूज किस तरह से आ रही हैं, एक फीडबैक सिस्टम ऑब्वियसली आपको चाहिए होगा। फीडबैक सिस्टम में आपने जो है वो एरर माइनस करवाना है, एरर माइनस करके यू गो थ्रू सर्टेन कैलकुलेशंस एंड ओके भाग गए सब। भगता इधर ही नहीं सर, भाग गए। वेल मोस्ट ऑफ देम। अच्छा खैर एनीवे, तो ये देख रहे हो लाइक अब ऑब्वियसली एक क्या कहते हैं सेफ सिस्टम जो होता है, जो भी होता है, एक हम लोग अपनी जबान में कहते हैं कामयाब सिस्टम। कामयाब सिस्टम में जो ना हमेशा एक फीडबैक होता है, ठीक है, और फीडबैक जो है वो आपकी एरर रिड्यूस करता है, आपको बताता है हाँ भाई अभी अटेंडेंस हो गई यार, मतलब हर रिकॉर्डिंग में तुम अटेंडेंस लगाओगे। अच्छा तो पढ़ना लिखना है नहीं, बस अटेंडेंस लगा ले। नहीं अच्छा सर, हमने कहा लगा दें, सॉरी। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या कहते हैं जो पिछला हमने वो पूरा एक बनाया था सिस्टम, ठीक है, वही हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है, लेकिन तुम लोग जब अब इसे डिजाइन करोगे, तुम लोगों के ये जो वैल्यूज हैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बिकॉज मैंने तुम लोगों को कुछ वैल्यूज प्रोवाइड की हुई है। अच्छा भाई अब देखो, एक समर यूज हुआ हुआ है, ये स्टार्टिंग से चलते हैं। एक स्टेप सिग्नल जो कि हमने डायरेक्ट अगेन उसमें दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो इसको मर्ज, मैंने तीन मर्ज किए हुए सिग्नल, और फिर यहाँ पे हमने एक समर अटैच किया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें फीडबैक लेना है, एक लूप, फीडबैक लूप लगाना, ठीक है। इसका जो आउटपुट आ रहा है यानी एरर रिड्यूस होकर जो आगे हमारे पास आउटपुट आ रहा है, ठीक है, वो हमने मल्टीप्लाई करना है एक क्या कहते हैं कांस्टेंट से, नॉट कांस्टेंट, इट्स अ कंट्रोल, बट यू कैन आल्सो कॉल इट अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप अपनी उस पोजीशन में पहुंच जाओगे, उस क्या कहते हैं जो चीज आप ढूंढ रहे हो सेटिस्फेक्शन पे, तो दैट वुड बिकम अ कॉन्स्टेंट फॉर यू। तो के पी से मल्टीप्लाई किया हुआ है और के आई से मल्टीप्लाई किया हुआ है अलग अलग, ठीक है। के आई का से जो हमने इसका आउटपुट जो मल्टीप्लाई किया हुआ है वो एक इंटीग्रेटर से गुजर है, इंटीग्रेटर से गुजर के उसे समर में इन दोनों को आपस में सम करके के पी और के आई को, और फिर उसे ट्रांसफर फंक्शन को प्रोवाइड किया एज एन इनपुट से। नोटिस दिस इज अ होल लूप, ये एक पूरा लूप है, और उसको एक अलग सिग्नल में दिया हुआ है। इसी तरह से जो है वो के पी और के डी के साथ किया हुआ है यानी डेरिवेटिव, और उसमें इंटीग्रेटर की जगह यहाँ डेरिवेटिव लगाया हुआ है, मैंने बता दिया वो हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे। यू कैन आल्सो सर्च फॉर इंटीग्रेटर एंड डेरिवेटिव, फिर समर एंड अगेन दूसरे ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू ये आउटपुट आ गया। दिस इज अ पी आई एंड पी डी सिस्टम्स अलग अलग। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लैब वी विल लुक एट अ होल पी आई डी सिस्टम, कि देखो इसमें तो हमारे पास जो है वो ऑब्वियसली हम बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन स्टिल वो हमारे पास जो है ना वो सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं आ रहे, सो वी आर गोइंग टू डिजाइन अ पी आई डी सिस्टम नेक्स्ट टाइम, ठीक है। सो इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस आस्क मी एंड लेट्स जस्ट एंड दिस लैब। सर वो यही कि सिमुलेशन लूप किस तरह आएगा, मेरे पास नहीं आ रहा था। आपने वीआई पैकेज मैनेजर का बताया था, तो उसमें जाके क्या सर्च करना था? हाँ यार एक सेकंड, वीआई पैकेज मैनेजर में जब आप आते हैं इसको एक तो खुलने में भी टाइम लगता है। सही है, 2017 मैं चूंकि यूज कर रहा हूँ, सही है, यू गाइस माइट
जो भी तुम लोग पास वर्जन है उसके हिसाब से वीआई पैकेज मैनेजर होगा। वीआई पैकेज मैनेजर में इसे जरा डेटाबेस रिफ्रेश करने, नहीं जी ठीक है, यहाँ पे आप कंट्रोल डिजाइन इसका ना, एक सेकेंड यार, इसका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है। अच्छा हम आते हैं लैब व्यू पे, कंट्रोल डिजाइन सिमुलेशन मॉड्यूल ही कहलाता है। आई थिंक वो क्या यार पैकेजेस लोड करेगा तो आई थिंक सर्च करेगा, बट खैर यहाँ पे जैसे एज यू गाइस कैन सी आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ वो उधर मैं ठीक है, यहाँ पे ये देख रहे हो ये क्या रहता है सी डी सिम, ठीक है कंट्रोल डिजाइन सिमुलेशन, ये मेरे पास पैकेज डाउनलोड हुआ हुआ है 2017 का, अगर तुम लोग 2017 है तो मुझसे ले लेना। अजीब बात है यार ऐसे। नहीं यार यार ये तो अभी सर्च नहीं हो रहा, इसे मैंने पूरा पैकेजेस को दोबारा से रीलोड करना होगा या मे बी मेरे पास पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो दैट्स व्हाई, बट खैर एनीवे तो ये कहलाता है कंट्रोल डिजाइन सिमुलेशन, सी लैब व्यू कंट्रोल डिजाइन एंड सिमुलेशन मॉड्यूल। ये अब ये पैकेज मैनेजर से भी मिल जाएगा, गूगल से पता नहीं, ट्राई कर लेना, मैंने तो यहीं से डाउनलोड किया था और इसे आप इंस्टॉल कर लोगे अपने जहाँ पे भी लैब व्यू आपने इंस्टॉल किया हुआ है, और फिर आपके पास यहाँ पे ये कंट्रोल एंड सिमुलेशन लूप आ जाएगा। सॉरी ये कंट्रोल एंड सिमुलेशन लूप ये रहा, सही है। तो ये चीज इसी तरह जो है आपको इन फ्यूचर काम पड़ेगा लीफा का लैब व्यू इंटरफेस फॉर आर्डिनो, तो लीफा कहलाता है वो, उसे भी यही भी है पैकेज मैनेजर पे सर्च कर लेना, डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। ठीक है एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर, बस रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा सर। और थोड़ा इसका अपलोडिंग का वो बता दें कि कब तक हम कर सकते हैं या वीकली करते हैं, क्या मतलब? मतलब लैब मतलब कंप्लीट करके अपलोड। हाँ हाँ भाई, हर हफ्ते लैब अपलोड करनी है, मतलब ये इन दी एंड थोड़ी करनी है, मतलब ऑब्वियसली मेरे सर पे आ जाती है सारी। लैब वन अपलोड हो जानी चाहिए थी आज, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं कराई है, काफी बच्चों ने नहीं कराई है बल्कि, और लैब वन भाई अपलोड करो फौरन। और ये अगेन एक वीक का टाइम होगा जो नॉर्मल टाइम होता है, बट सर वो लैब वन में था जब टास्क वन में -5 से 5 वो चेंजिंग का हुआ, तो सर सिर्फ दो मैटलैब में वो फंक्शन एक -5 का एक +5 का डाल दें, ये सारे ही डालने पड़ेंगे -5 से +5 का। एक सेकंड, देखना पड़ेगा। हाँ कौन सा वाला बता दो,
ओ भाई वो क्या हो गया। टास्क वन था वो चेंजिंग -5 to 5। ओके इन दिस लैब यू हैव डियर, इसको क्या कहते हैं यार ये तो काफी सारे हो जाएंगे। तो एक काम करो, एक -5 का ले लो, एक रैंडम बीच में कोई सा भी ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, और एक +5 ले लो, ठीक है। अभी तो खैर अच्छी बात है कि ऑनलाइन अभी तो वो -5 और +5 करके जमा तो करा दी या दोबारा जमा करा दे, बस चलो छोड़ दो रहने दो कोई बात, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? चलो फिर लेट्स एंड दिस लैब, टेक केयर एवरीवन एंड अल्लाह हाफिज। जवाब ही दे देता है यार। जी सर, अल्लाह ओके सर, जजाक अल्लाह, अल्लाह हाफिज।